हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। हम लोगों ने जो आगे चार्ज में किया था, चार्ज में हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोगों को क्या स्टार्ट करना था, हम लोगों ने जो पढ़ लिया था चार्ज के बारे में, तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग जो है वो चार्ज में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको क्या कर लेते हैं, एक बार जो है हम लोग चार्ज वाला रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये चीज पढ़ा था। दो मिनट रुकेगा, ज्यादा नहीं। माइक लगा रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था भाई, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक चार्ज है क्यू वन और वो जो है एक चार्ज है क्यू टू, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, वो दोनों है आर। क्या है वो, है आर। क्या है आर, आर ये लोग का डिस्टेंस है, या आप रेडियस भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें जो है ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सन। क्या होगा यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर यही ये क्यू वन, ये क्यू वन और ये क्यू टू है, ठीक है, क्या है ये क्यू टू है, अगर यही दोनों जो चार्ज है, ये डिस्टेंस आर हो गया, ये जो है एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एक जो है एक रिपेल करेगा। क्या करेगा, एक रिपेल करेगा। और दूसरा क्या है, अगर निगेटिव है तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में जाने लगेगा ना भैया, तो दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे निगेटिव निगेटिव भी रहे तो वही होगा, क्या होगा, अगर यहाँ पे निगेटिव निगेटिव भी रहे तो यहाँ पे यही होगा, या यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव रहे तब पर भी यही होगा। होगा कि नहीं पहले ये आप हमको बताइए, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, हाँ। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने ये चीज देखा था नहीं, पहला चीज ये हो गया कि नहीं, हाँ। पहले इसको लिख डालिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो जल्दी से इसको लिख डालिए। हम लोगों ने ये चीज तो देख लिया था कि नहीं। अब देखिए भाई, अब सेकेंड चीज हम लोगों ने क्या देखा था, सेकेंड चीज हम लोगों ने देखा था भाई कि F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के को हम लोग क्या बोलते थे, परमिटिविटी। अच्छा, ये परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट या 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सी माइनस कूलम्ब माइनस टू। यही होता था, इसका फॉर्मूला होता था कि नहीं, पहले आप हमको ये बताइए कि ये फॉर्मूला इसका होता था या नहीं होता था, बताइए। होता था ना। अब देखिए भैया यहाँ पे, और एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था, एप्सिल नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85×10⁻¹² न्यूटन माइनस स्क्वायर माइनस टू कूलम्ब माइनस टू। ये जो सी है इसको हम लोग कूलम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। किसका यूनिट है, ये जो यूनिट है ये चार्ज का यूनिट है। किसका यूनिट है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलम्ब। क्या होता है कूलम्ब होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। एप्सिल नॉट इज इक्वल टू क्या, 8.85×10⁻¹² होगा कि नहीं है, पहले आप हमको बताइए। ये होता है कि नहीं। और ये जो है ये कूलम्ब का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस टू मतलब इनवर्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, ये पूरा टोटल सम यही था। और हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ा था, फैक्टर वैक्टर ये सब के बारे में पढ़ा था, फिर इसके बारे में पढ़ा था, फिर और बहुत चीजों के बारे में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था, और कुछ फॉर्मूलों को हम लोगों ने देखा था। तो फॉर्मूले भी मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, पहले आप इसको लिख डाला है। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा।
फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी, किसके बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं है, पहले आप हमको बताइए। हाँ, होप करते हैं कि आपने जो है वो ये चीज लिख लिया होगा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब हम लोगों ने जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी या उसी को बोलते हैं या और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये सब के बारे में जो है हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था, इसी के बारे में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। तो इसके बारे में हम लोगों ने जो है, अगर इसके बारे में डिस्कस किया था तो इसका क्या होता है, ये क्या होता है भाई, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसको हम लोग कैसे, रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी को जो है हम लोग जो है वो के से डिनोट करते हैं, किससे, के से, या इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव मीडियम, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, या इसको ऐसे, सॉरी इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या, ऐसे रिलेटिव। हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, कोई भी चीज मीडियम बाई वैक्यूम, मतलब क्या, जो खाली जगह हो जहां पे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि नहीं, पहले आप हमको ये बताइए। और ये जो मीडियम है इसको हम लोग, ये जो इस, ये है, इसको हम लोग ई नॉट से डिनोट करते हैं, किससे, ई नॉट से जो है हम लोग इसको जो है वो डिनोट करते हैं कि नहीं, ये पहले आप हमको बताइए। और इसको जो है हम लोग एमईडी लिखते हैं, मीडियम को हाफ हम लोग लिखते हैं एमईडी, क्या लिखते हैं, एमईडी, जिसको हम लोगों ने कल बात कर लिया था इसके बारे में। इसी से हम लोगों ने जो है वो दो तीन फॉर्मूले और निकाल दिए थे, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, ये मीडियम बाई ई नॉट, क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैक्यूम, इसको बोलते हैं मीडियम, इन मीडियम, इन क्या, इन मीडियम, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख डालिए, होप करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज को जो है वो लिख डाला होगा, लिख दिया। अब देखिए यहां पे, अब हम ही लोग जो है, हम लोगों ने इसी से क्या किया, हम लोगों ने इसी से जो है वो बहुत सारे ढेरों फॉर्मूले निकाल लिए कि नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, क्या हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, K इज इक्वल टू ई मीडियम बाई ई वैक्यूम, क्या ई वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या ये परमिटिविटी, हाँ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसी को जो है अगर हमको मीडियम का निकालना है परमिटिविटी, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, कि नहीं, ये पहला हो गया हम लोग का, हाँ, कि अगर हमको वैक्यूम निकालना है परमिटिविटी, हाँ क्या, सॉरी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, हमको मीडियम निकालना है, क्या निकालना है, हमको मीडियम का निकालना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू वैक्यूम ऑफ परमिटिविटी हमको करना होगा, इसको क्या करना होगा, ये ना करना होगा, करना होगा कि नहीं, पहले आप हमको ये बताइए। ये हम लोगों को करना होगा कि नहीं है, पहले आप हमको बताइए। ई मीडियम लिख डालिए, इसको जल्दी से लिख डालिए। अब देखिए यहां पे, अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग एक चीज में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, मीडियम डिपेंडेंस हम लोगों ने पढ़ा था, क्या एक टॉपिक था मीडियम डिपेंडेंस एक टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने क्या बात किया था भाई, एक सिंपल चार्ज को आप ले लीजिए, ठीक है। एक सिंपल अगर आप चार्ज को लेते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, या छोटा वाला Q1 ले लीजिए, ये Q1 है, ये Q2 है। अगर ये दोनों जो है, ये दोनों का रेडियस जो है वो R हो गया, ठीक है, R हो गया, क्या हो गया, देखिए आप ध्यान से देखिए, R हो गया। अगर ये दोनों का रेडियस हम लोग R ले लेते हैं, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, ये वहां पे जो है
आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इधर प्लस इधर वाला जाएगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये जो है ये इसी डायरेक्शन में आने लगेगा। तो ये दोनों क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है। वो डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको, वहां पे ये जो ऐसे जा रहा था इसको ऐसे मत, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे जो पिछले वाला डायग्राम था, ठीक है, तो उसमें जो है ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहे हैं कि नहीं। तो इससे एक फॉर्मूला निकला, क्या फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला ये था एफ इज इक्वल टू, दो मिनट, एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम है, देखिए यहाँ पे वैक्यूम है, Q1 Q2 by R square, क्या Q1 Q2 by R square, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, ये क्या था, फोर्स इन वैक्यूम था, क्या था, ये जो था, ये जो फोर्स था ये वैक्यूम में था, ये सब बात हो रहा है वैक्यूम में, किसमें बात हो रहा है, ये सब बात हो रहा है फोर्स इन वैक्यूम, किसमें फोर्स जो है ये सब वैक्यूम में बात हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये वाला निकाल लिया हम लोगों ने एफ वैक्यूम, देखिए यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, एफ नॉट। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने जो है इसको एक मीडियम में डाल दिया, क्या किया, एक मीडियम में इसको डाल दिया, किसमें डाल दिया, एक मीडियम में डाल दिया इसको। अगर हम लोग इस चार्ज को जो है अगर मीडियम में डाल देते हैं, वही रहता है Q1 Q2, ठीक है, Q1 क्या रहता है, Q1 Q2 वही रहता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव रहता है, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट होते रहता है, ये दोनों का रेडियस जो है वो आर होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको जो है अगर हम मीडियम में डाल देंगे तो क्या होगा, मीडियम में डाल देंगे तो हम लोगों ने इसके बारे में कल पढ़ा था, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा एफ मीडियम का, मैंने आपको एक चीज बताया था एफ मीडियम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये बताइए पहले आप हमको, 1/4 पाई मीडियम एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देखिए यहां पर 1/4 पाई, यही जो एप्सिलॉन नॉट है यहां पे मीडियम में था, तो मीडियम में क्या था कि यहां पे देखिए यहां पे ये वाला, अगर हम लोगों ने ये चीज नोटिस किया था कि अगर ये मीडियम में आ जाता है तो क्या आएगा, के एप्सिलॉन नॉट, के मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम, तो क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा कि नहीं, ये वाला तो हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या भाई, 1/k का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, 1/k का डिफरेंस है, जल्दी से इसको लिख डालिए जल्दी से लिख डालिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हम लोग रिकैप कर रहे हैं, रिकैप कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको शॉर्ट में जान रहे हैं, तो वो 2 घंटा का लेक्चर था, इसको मैं आपको शॉर्ट में बताने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से इसको लिख डाला, होप करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज को लिख डाला होगा। तो यहीं पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसको जो है वो मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको जो है वो मैं मिटा देता हूं, ये इतना चीज को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे यही वाला चीज को मैं यहां पे ले जाता हूं, कहां पे ले जाता हूं, यहां पे ले जाता हूं। अब देखिए यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसको हम लोगों ने यहां से निकाल दिया, 1/k कर दिया, तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हो गया कि नहीं, ये पहले आप हमको बताइए, यही वाला बन गया कि नहीं, ये यही वाला जो है ये वाला बन गया कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, F medium is equal to F vacuum by K, क्या फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ये वाला बन जाएगा कि नहीं, ये पहले आप हमको बताइए, आप हमको ये बन जाएगा कि नहीं, ये पहले आप हमको बताइए, इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसमें था, ये वैक्यूम में था, ये किसमें था, ये वैक्यूम में था, क्या, तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं कि फोर्स इन वैक्यूम, क्या बोल सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम, क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि नहीं, पहले आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए, हम लोग जो है एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई के बोल सकते हैं कि नहीं। देखा आपने कैसे मैंने बोला इसको, पहले हम लोगों ने इसको इधर ले गया, तो ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला को जो है हम लोगों ने इधर किया, अप्लाई किया, तो ये हम लोग का आ गया, ठीक है। आप इसको जल्दी से जो है इसको लिख डालिए, ठीक है, ये वाला को जो है आप जल्दी से लिख डालिए, मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है, जल्दी से लिख डालिए। अब देखिए यहाँ पे होप करते हैं कि आपने जो है वो ये चीज लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग को ये सब का कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहीं तक बताना था, इसलिए जो है मैं आपका इसका उपयोग कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग जो है वो और एक चीज था जो कि हम लोग जो है वो किए थे, क्या किए थे, और एक चीज रिकैप में, और एक चीज था, क्या था भाई, था ये चीज था कि एफ मीडियम,
क्या था हम लोग का एफ मीडियम, क्या था एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एफ रिलेटिव बाई के, सॉरी एफ नॉट बाई के, क्या एफ नॉट बाई के, एफ नॉट बाई के मतलब फोर्स इन वैक्यूम बाई के, क्या और के क्या था रिलेटिव परमिटिविटी था, क्या था रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि नहीं, यहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि इसको जो है इधर ला दिया, एफ मीडियम बाई एफ नॉट इज इक्वल टू वन बाई के, हम लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ये पहले आप हमको बताइए कर सकते हैं कि नहीं। अब हम लोगों ने क्या किया कि दोनों तरफ से एक माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इधर से जो है इधर से भी हम लोगों ने जो है वो एक माइनस कर दिया, हाँ दोनों कट जाएगा बराबर हो जाएगा फिर, तो इधर से क्या किया हम लोगों ने एक को माइनस कर दिया, किसको माइनस किया एक माइनस कर दिया, तो क्या आ गया एफ नॉट माइनस एफ मीडियम, क्या एफ नॉट माइनस एफ मीडियम बाई एफ नॉट, इधर भी के माइनस वन बाई के, ये आ गया कि नहीं, ये पहले आप हमको बताइए। और इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स, क्योंकि यहां पे आ गया आपका डेल्टा एफ बाई एफ नॉट इज इक्वल टू डेल्टा के बाई के, हाँ तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया, क्या हो गया इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स, क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स, क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स, क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शनल, ये सॉरी यहां पे डेल्टा के नहीं होगा ना, यहां पे के माइनस वन बाई के होगा, तो इसको हम लोगों ने जो है वो ये आप जो है वो ग्रेविटेशन में भी ये चीज पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशन में यहां पे जो है वो ग्रेविटी लग जाता है, बस वही चार्ज की जगह पे ग्रेविटी आ जाता है, तो ये चीज आप ग्रेविटी में भी अगर पढ़े होंगे तो आप इसको जो है वो उससे जो है वो डिनोट मतलब अप्लाई कर सकते हैं, उसको रिलेट करके, उसको अभी आप रिलेट करके इसको बना सकते हैं, तो यही चीज हो गया, क्या हो गया हा? तो फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स आ गया। अब हमको इसको फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज इन फोर्स लाना है, तो क्या होगा हा? जल्दी से इसको लिख डालिए, कुछ अंतर आया नहीं आया, यहां से इसी से हम लोगों ने जो है इसको इधर किया और बाई वन बाई के कर दिया और इसमें से एक माइनस कर दिया, फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स। अगर आपके क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स को आप हमको बताइए, तो आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, यू कैन डू इट, यस 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 यस, ओके ओके हो गया। चलिए होप करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज को लिख लिया होगा, लिख लिया। अब हम लोग को अगर निकालना है परसेंटेज चेंज इन फोर्स, क्या परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज चेंज इन फोर्स अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको परसेंटेज चेंज इन फोर्स निकालना है तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई कि डेल्टा एफ बाई एफ नॉट इज इक्वल टू के माइनस के, के माइनस वन बाई के इन टू हंड्रेड और इन टू हंड्रेड, इधर भी कर दिए, तो आपका क्या निकल गया, आपका आपका जो है ये निकल गया, क्या निकल गया फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स निकल गया, क्या अगर आप 100 से गुना कर दीजिएगा तो फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा, तो निकल गया, बात खत्म, इतना ही हम लोगों ने पढ़ा था कल। अब हम लोग अपनी आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू करते हैं और वेक्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि आपने 11 में इसको अच्छा से पढ़ा है, तो मैं आपको फॉर्मूले तौरमूले थोड़ा समझाने की अच्छे से प्रयास करता हूं, अगर आपको समझ में आती है तो काफी अच्छी बात है, और फिर हम लोग जो है इस पे मेंस के जो है वो क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, किसके क्वेश्चन को करेंगे, मेंस के क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख डालिए जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बेहतरीन, अगर ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो काफी आपका जो है वो डाउट क्लियर होगा, ठीक है, हाँ तो आज हम लोग केवल क्वेश्चन ही करेंगे, तो जल्दी से इसको लिखिए, ठीक है, आज 7-8 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मेंस के क्वेश्चन, तो जल्दी इसको लिख डालिए। उसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, होप करते हैं कि आपने जो है वही चीज लिख ली होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ, हेडिंग डालिए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ, क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ क्या होता है, हाँ वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या होता है ये जो टॉपिक है ये स्कूल में भी पूछा जाता है और जेई में भी पूछा जाता है। अब जेई में कैसे पूछा जाता है, जेई में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि किसी क्वेश्चन में इसको मर्ज कर देगा और फिर पूछेगा, मेंस का मैं बता रहा हूं, एडवांस में तो ये पूछता ही नहीं है भाई, एडवांस का ये टॉपिक ही नहीं है, इसमें केवल क्वेश्चन को मर्ज कर देगा, जैसे हर हर टॉपिक में कर सकता है, ज्यादातर करता है एल एन एम एन एल एम
फिर आपका NLM मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर आपका अगर करता है तो वर्क और एनर्जी में कर देता है, आपका फिर आपका जो है वो इधर कर देता है, इधर चार्ज और ग्रेविटेशन में भी कर सकता है। तो बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें इस चीज को जो है वो कर देता है, ठीक है। तो आपने जो है वो वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, क्या फॉर्मूला था वेक्टर को पहले जो है वो डिनोट किससे किया जाता है, पहले आप हमको ये चीज बताइए वेक्टर को डिनोट किससे किया जाता है, कैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते, इसको जो है वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड। डिनोट किसे किया जाता है, एरो से। अगर ये एफ है तो एफ वेक्टर हो गया, क्या कौन वेक्टर, एफ वेक्टर। अगर इसको ए से ऊपर लगा हुआ है तो क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर, कौन वेक्टर, ए वेक्टर। अगर यहाँ बी से लगा हुआ है एरो, एरो तो इसको क्या बोल सकते हैं, बी वेक्टर, ठीक है। ये अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसको क्या बोल सकते हैं, सी वेक्टर। तो कैसे वेक्टर को डिनोट किया जाता है, एक एरो से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, एक एरो से डिनोट किया जाता है जो कि ऊपर लगता है, उसके माथा पे लगता है, ठीक है। अब देखिए भाई यहां पे वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर का फॉर्मूला होता है एफ, एफ मैग्नीट्यूड, क्या एफ मैग्नीट्यूड, एफ मैग्नीट्यूड इनटू एफ डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैप, क्या बोलते हैं कैप, एफ कैप, एफ कैप। इसको ये क्या करता है, ये डायरेक्शन बताता है, क्या करता है, ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। और ये क्या बताता है भाई, ये बताता है मैग्नीट्यूड, क्या बताता है भाई मैग्नीट्यूड, क्या बताता है मैग्नीट्यूड। शुरू से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए यहां पे एक बार समझिएगा इसको, क्या बताता है ये बताता है मैग्नीट्यूड, ये बताता है आपका डायरेक्शन, ठीक है। वैसे तो 11 में चैप्टर ये वेक्टर, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, क्या बोलते हैं इसको वेक्टर। अगर आपको निकालना है, अगर आपको क्यों 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 मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्यों, चलिए एक चीज आपको मैं बताता हूं, चलिए 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 चलिए। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा मैं आपको, ये चीज बताना चाहूंगा कि आपने जो है वो स्कॉलर, स्कॉलर और वेक्टर का नाम तो सुना होगा, एंड वेक्टर का थोड़ा स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगा तो उसको देख लीजिएगा, स्कॉलर और वेक्टर का नाम तो आपने सुना होगा। स्कॉलर का सटीक डिफिनेशन क्या होता है और वेक्टर का सटीक डिफिनेशन क्या होता है, ये पहले आप हमको बताइए, बताइए बताइए जल्दी बताइए जल्दी 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 जल्दी, मैं आपको बेसिक चीज को पढ़ाता हूँ, चलिए वेक्टर को मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ, चलिए। तो स्कॉलर और वेक्टर को आपने जो है वो जहां तक देखा होगा, तो मैं आपको ये चीज बताता हूं कि वैसा चीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड। अब आप बोलिएगा मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि मान लीजिए कोई आदमी है जिसका नाम जो है वो राम है, क्या है, राम है, ठीक है, एक आदमी है जो कि राम है, ठीक है, उसको यहां से जो है वो दुकान जाना है, कहां से, यहां से यहां तक जाना है, उसको कितना कदम चलना होगा, 1 2 3 4 5 6, उसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 कितना स्टेप चलना होगा, 7 स्टेप चलना होगा, तब जाके यहां पे पहुंचेगा वो। तो मैग्नीट्यूड क्या करता है कि 1 1 1 1 1 1 1 1 मतलब डायरेक्ट इसको जो है अगर आप जोड़ देते हैं डायरेक्ट बिना डायरेक्शन के, कि वो सीधे गया कि उल्टा गया कि तिरछा गया कि कहां गया कि कैसे गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्ट जोड़ना, डायरेक्ट 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 जोड़ना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जैसे आप समझिए इसको क्या समझे हम, कि मान लीजिए कि आप यहां से आप मान लीजिए कि आपके घर की तरफ बहुत सारे दुकान होंगे, तो आपकी जो गली है मान लीजिए कि वो सीधे जा रही है, फिर इधर मुड़ जा रही है, फिर इधर जा रही है, तब आपको दुकान मिल रहा है, तो क्या आप एक डायरेक्शन से जा रहे हैं ना, कि पहले आप राइट गए चले, फिर लेफ्ट चले, फिर राइट चले, फिर नॉर्थ साउथ, ये सब आप डायरेक्शन से ना जा रहे हैं भाई। लेकिन मैग्नीट्यूड स्कॉलर उसको बोलते हैं जिसके पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट जा रहा है, वो डायरेक्ट जाते ही जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका, वो किधर भी कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी होता है, क्या होता है, उसके साथ डायरेक्शन भी होता है, क्या होता है, उसके साथ जो है वो डायरेक्शन भी होता है वेक्टर में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में ये और डायरेक्शन,
डायरेक्शन ये दोनों ऐड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब आप नहीं समझे होंगे तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको मान लीजिए क्या मान लीजिए कि आपको इधर जाना है, किधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। मान लीजिए कि हम इधर मान लिए कि इधर नेगेटिव होता है, अब कार्टेशियन प्लेन आपको याद होगा अगर, तो ये इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होता है, होता है कि नहीं, ये पहले आप हमको बताइए। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, होता है कि नहीं, पहले आप हमको ये बताइए। तो आप क्या कीजिए कि आप इधर से इधर जाइए, आप अगर इधर से इधर जा रहे हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट जा रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इधर से इधर जाना है या इधर से इधर जाना है तो आप कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कि आप इधर से थ्री स्टेप चले और इधर से थ्री स्टेप, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, किस डायरेक्ट सिक्स कर दीजिए, या आप इधर से इधर चले और इधर से इधर चले, क्या किए आप इधर से जो है, देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा इसको, क्या कीजिएगा एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा कि आप अगर इधर से इधर चले, इधर चले फिर इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, चले कि नहीं। देखिए आप इधर चले तीन स्टेप, इधर भी चले तीन स्टेप, कितना चले टोटल मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितना चले, सिक्स स्टेप, कितना चले, सिक्स स्टेप। लेकिन आप इधर पॉजिटिव चले फिर इधर आए तो निगेटिव हो गया, तो तीन माइनस तीन कितना गया, जीरो। डायरेक्शन के हिसाब से आप कितना चले, ये दोनों के हिसाब से जीरो चले, वेक्टर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, डेट इज कॉल्ड वेक्टर। क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, डेट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है आपका, इसका एग्जांपल हो जाता है डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल सकते हैं इसका एग्जांपल। फिर आप बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, इसमें आप बोल सकते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, फोर्स, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी, बेस्ट एग्जांपल है वेलोसिटी, ईटीसी, इसमें आप बोल सकते हैं स्पीड, स्पीड, टाइम, टाइम, ईटीसी। तो बहुत सारे एग्जांपल है जो कि मैं जो कि केवल स्कॉलर है, और ये जो है ये वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने आपको जितना समझाना था उतना समझा दिया, ठीक है। अब होप करते हैं कि आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं अपने विषय पे, बात करते हैं, क्या करते हैं भैया कि अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं वेक्टर के बारे में, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है वेक्टर, आपने समझ लिया, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। अब देखिए अब वेक्टर क्या होता है भाई, अब ये वेक्टर क्या होता है ये बताइए पहले आप हमको, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो होता है, मान लीजिए ये वेक्टर उसको बोलते हैं जिसपे एरो का साइन हो, क्या, जिसपे एरो का साइन हो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड को आप कैसे दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये ए मैग्नीट्यूड, ये बी मैग्नीट्यूड, मतलब क्या कि बी इसको, ये दोनों को दबाने का, जैसे आप कंप्रेस करते हैं किसी चीज को, तो अगर आपको किसी चीज को कंप्रेस करना है तो आप उसको बीच में रखिएगा और आप दो आदमी रहिएगा यहाँ पे, तब वो चीज कंप्रेस होगी। तो वही चीज है यहाँ पे कि ऐसे है, ऐसे ऐसे डी ई ऐसे होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ऐसे मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ऐसे 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 इस जगह से, ठीक है। होप करते हैं कि आप जो इस चीज को समझ गए होंगे। और डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन को कैसे आप डिनोट करते हैं, डायरेक्शन में मतलब ए के ऊपर कैप लगा दीजिए, बी के ऊपर कैप लगा दीजिए, सी के ऊपर कैप लगा दीजिए, डी के ऊपर कैप, ई के ऊपर कैप। तो अगर आप कैप लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायरेक्शन। तो इसका अगर आपको वेक्टर निकालना है तो क्या चाहिए, वेक्टर निकालना है तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। अब भाई आपको ये दोनों चीज चाहिए, चाहिए कि नहीं, पहले ही आप हमको ये बताइए। अगर आपको ये दोनों चीज चाहिए तो क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड आपको कैसे होगा, मैग्नीट्यूड आपका ऐसे होगा, डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, एफ एफ, यहाँ ऊपर ये साइन लगा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया, अगर आपको नहीं लगाने का मन है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आता है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, या क्या है, ये डायरेक्शन है, क्या है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं, वेक्टर मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड को जैसे किसी चीज को कंप्रेस किया जाता है
तो वैसे डिनोट करते हैं। तो होप करते हैं कि आप जो है ये चीज को समझ गए होंगे कि कैसे किसको करते हैं, ठीक है। आप ये बेसिक लेवल को आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? अब इसको अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे करेंगे भाई? मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो कैसे करेंगे ये बताइए। तो क्या एफ कैप बाई, आप बाई एफ नहीं लिख सकते हैं, एफ वेक्टर, एफ मैग्नीट्यूड बाई, सॉरी एफ डायरेक्शन, एफ डायरेक्शन फोर्स और डायरेक्शन बाई, आप ये एफ वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन निकालना है तो एफ एफ वेक्टर बाई एफ मैग्नीट्यूड। क्या ये आप कर सकते हैं कि नहीं? ये दो फॉर्मूले, होप करते कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। ये किसका है? डायरेक्शन का है, किसका है? डायरेक्शन का है। रुक जाइएगा, थोड़ा सा लिख लेने दीजिए। डायरेक्शन ये किसका है? ये मैग्नीट्यूड का है, किसका है? मैग्नीट्यूड, किसका? मैग्नीट्यूड का। ये मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो इसको कैसे, यहाँ पे ये एफ कैप बाई एफ आ जाएगा, बाई एफ वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या, यही फॉर्मूला हो गया कि नहीं आपका? ये पहले बताइए, पहले ये फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? ये बेसिक, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, जितना मैं आपको समझा सकता हूं उतना मैं आपको समझाने का जरूर प्रयास करूंगा। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को समझ लिया होगा। हाँ, समझ लिया, समझ लिया होगा। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पूछना चाहूंगा, ठीक है। ये चीज आपने समझ लिया, जल्दी से लिख लीजिए इसको। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये टू है, ठीक है, और एक वन है, ठीक है। आप टू से जो है एफ ट्वेंटी वन इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ट्वेंटी वन इज इक्वल टू होगा एफ ट्वेंटी वन मैग्नीट्यूड इंटू एफ ट्वेंटी वन डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इधर से सीधे इधर से इधर, इधर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर गए, ठीक है। तो आप इधर कैसे गए? पॉजिटिव 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 जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। और अगर आपको बोल दिया जाए कि एफ वन टू क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? एफ वन टू वन, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, उल्टा गए ना, क्या किया आप, उल्टा गए ना, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस एफ वन टू इंटू एफ ट्वेल्व वेक्टर। ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, क्यों? तो ये आपका, ये आप क्या लिख सकते हैं इसको? इसको आप लिख सकते हैं कि एफ ट्वेंटी वन, क्या, एफ ट्वेंटी वन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस माइनस एफ वन टू, क्या, माइनस एफ वन टू, माइनस एफ, अरे यार, माइनस एफ वन टू वेक्टर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, मतलब कि आप जो है वो डायरेक्ट गए, ठीक है। आपने क्या किया कि आप जो है यहां से डायरेक्ट दुकान गए, ठीक है। अब आप दुकान से, अब दुकान से आप पीछे आइएगा तो आप क्या, अगर आप दुकान, अगर आप दुकान में ही है, दुकान से पीछे आइएगा तो आप निगेटिव में जा रहे हैं कि नहीं, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख डालिए, ये मेन चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना। होप करते हैं कि आप जो ये समझ गए होंगे, समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। किसके बारे में? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कौन प्रिंसिपल भाई? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कौन पोजिशन? सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कौन प्रिंसिपल? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है भाई? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल उसको बोलते हैं कि सब चीज को जोड़ दीजिए, मतलब क्या, एफ नेट ऑन क्यू, एफ नेट ऑन क्यू मतलब कि देखिए यहां पे एफ जीरो वन प्लस एफ जीरो टू का वेक्टर, एफ जीरो थ्री का वेक्टर, सब वेक्टर को जो है वो जोड़ दीजिए। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसे, ठीक है, तब आप समझिएगा। मान लीजिए कि ये Q1 है, क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है, छोटा सा बनाता हूं यार,
ये क्यू वन है, ये क्यू टू है और ये क्यू थ्री है। क्या है? ये क्यू थ्री है, ठीक है। क्या है? ये क्यू थ्री है, ठीक है ना। हा? और इधर से जो है, इधर से ये मान लीजिए कि ये इधर 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 इधर, फिर ये इधर 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 इधर, ये तीनों का जो डिस्टेंस है, एक का डिस्टेंस है आर वन, एक का डिस्टेंस है आर टू, एक का डिस्टेंस है आर थ्री। क्या है? आर वन, आर टू, आर थ्री, है ना। हा? तो इधर से जो फोर्स है वो इधर जाएगी, जाएगी कि नहीं। हा? ये एफ है, ठीक है। तो इधर से फोर्स किधर जाएगी? इधर जाएगी एफ वन, क्या एफ वन। फिर इधर की जो फोर्स थी वो इधर जाएगी, उल्टा गई कि नहीं, तो क्या हो गया एफ टू। ये एफ टू वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर, ये क्या एफ थ्री वेक्टर। फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। मैंने आपको शुरू में लिखवाया है, एग्जांपल में लिखवाया है कि नहीं, कि फोर्स इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। तो ये एफ वन इधर जाएगा, एफ टू इधर जाएगा, एफ थ्री इधर जाएगा, सीधे जाएगा कि नहीं। आप बताइए कि एफ जीरो वन का फॉर्मूला क्या होगा। एफ जीरो वन का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू वन और क्यू जीरो। क्या? क्यू वन और क्यू जीरो। कैसे क्यू जीरो भाई, कैसे क्यू जीरो, ये पहले आप हमको बताइए। यहां पे जो एफ है, यहां पे गलती से लिखा गया एफ, यहां पे आप लिख लीजिए क्यू जीरो। क्या? क्यू जीरो क्या आएगा? क्यू जीरो आएगा। क्या आएगा? ये क्यू जीरो। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट जीरो बोल रहा हूं मैं। यहां पे क्या आएगा? क्यू नॉट। कौन नॉट? क्यू नॉट। कौन नॉट? क्यू नॉट, ठीक है। तो एक इधर जाएगा, इधर से सीधे जाएगा, एक सीधे, एक इधर से जाएगा इधर, और एक इधर से जाएगा इधर, ठीक है। ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में गया, मतलब क्या कि एफ 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 नॉट, क्यू नॉट और क्यू वन, ठीक है, बाई आर वन का स्क्वायर। फिर एफ जीरो टू का कैसे होगा भाई? एफ जीरो टू का होगा के क्यू नॉट क्यू टू बाई आर टू का स्क्वायर, आएगा कि नहीं। फिर एफ जीरो थ्री का कैसे होगा? हाँ, ये बताइए आप हमको। एफ जीरो थ्री का अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? के क्यू नॉट क्यू थ्री बाई आर थ्री का स्क्वायर। ये तीनों को जोड़िएगा, ये तीनों को जोड़िएगा, तब आपका फोर्स निकलेगा एफ नेट। क्या निकलेगा? एफ नेट ऑन क्यू। क्या निकलेगा? क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, एफ नेट ऑन क्यू नॉट। क्या? एफ नेट ऑन क्यू नॉट, ठीक है। होप करते हैं कि आप जो है ये चीज को समझ गए होंगे। सुपर प्रिंसिपल मतलब ये होता है भाई, कि सुपर प्रिंसिपल मतलब सब वेक्टर को एक साथ ला के जोड़ देना। क्या? एक साथ ला के ही सब वेक्टर को जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रिंसिपल। क्या? सुपर प्रिंसिपल। अब हम लोग जो है वो ट्रिक के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको लिख डालिए। और आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे 11 में, उसका भी हम लोग रिविजन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख डालिए। तो होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा। लिख लिया है? हाँ, लिख लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अब हम लोग जो है इस चीज को जो है वो मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो वेक्टर एडिशन एनालिसिस करते हैं। क्या? वेक्टर एडिशन एनालिसिस करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? वेक्टर एडिशन एनालिसिस, एनालिसिस मतलब ट्रिक्स, ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रिक्स क्या होती है वेक्टर की, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो अब देखिए यहां पे, अगर मान लीजिए कि ये F1 है, क्या है? ये F1 है ना। हा? क्या है? ये फोर्स 1 है, ठीक है। ये क्या है? ये फोर्स 2 है, ठीक है। क्या है? ये फोर्स 2 है, ठीक है ना। अब ये दोनों को अगर आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा? एक नेट फोर्स आएगा आपका, ये दोनों का, ये दोनों का एक नेट फोर्स आएगा, एफ नेट आएगा, ये आएगा कि नहीं? ये दोनों को, ये दोनों का जो थीटा है, ठीक है, तो ये दोनों का एक एफ नेट फोर्स आएगा, आएगा कि नहीं? एफ नेट कैसे जोड़िएगा आप? एफ नेट इज इक्वल टू क्या कीजिएगा? एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर कीजिएगा कि नहीं? एफ नेट वेक्टर, हाँ, ये कीजिएगा कि नहीं, पहले आप हमको ये बताइए। और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11 में। क्या पढ़ा था भाई? मैग्नीट्यूड, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स। क्या 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 क्या? टू फाइंड मैग्नीट्यूड
टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स वी हैव अप्लाई दी फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, एफ नेट का अगर आपको जो है वो मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ कॉस टू एफ एफ वन टू क्या था प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा क्या था 2F1F2। यहां पे देखिए, यहां पे थीटा रहना चाहिए, क्या यहां पे जो है वो थीटा रहना चाहिए। तो यहां पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं? F net is equal to F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा पढ़ा था कि नहीं? पहले आप हमको ये बताइए, पढ़ा था कि नहीं? पहले आप हमको ये बताइए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि नहीं? ये मेन फॉर्मूला है या आपने पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था कि आपने 11 में चुगलापंती की है, आपने 11 में पढ़ा था कि नहीं ये फॉर्मूला? अगर आपने ध्यान लगा के इस चीज को पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अभी आपको दिखने वाले हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी भी ध्यान से इसको देख लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला है? एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको जो है आप इस चीज को जो है वो याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था क्या था? एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। इस चीज को अगर आप याद कर लेते हैं तो काफी आपके लिए हेल्प होगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प होगी, तो इसको जो है आप याद कर लीजिए। आपको दिखाऊंगा कि मेंस में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। याद जल्दी से लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या देखिएगा भाई, एफ नेट क्या निकालना? अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करिएगा? ये फॉर्मूला अपनाइएगा। क्या करिएगा? मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कीजिएगा? एफ नेट का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कीजिएगा? एफ वन का स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर एफ थ्री का स्क्वायर सॉरी अगर तीन हो तब ना एफ थ्री, अगर दो हो तो ये केवल एफ टू, टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ठीक है, हो गया, ये तो आपने देख लिया। अब एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर इफ एफ वन एंड एफ टू आर सेम, क्या अगर एफ वन एंड एफ टू जो है वो जो डायग्राम आपने बनाया था उसमें एफ वन और एफ टू का नंबर जो है, मान लीजिए ये भी फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, वो भी फोर, अगर ये दोनों सेम है तब क्या होगा? क्या अगर हमने जो है एफ वन मैग्नीट्यूड F2 मैग्नीट्यूड अगर दोनों ये सेम है तो हम लोगों ने क्या मान लिया? इसको P मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? P मान लिया। अब इस फॉर्मूला को इस पे लगाइए, इस फॉर्मूला को इस पे लगाइएगा तो क्या आएगा आपके पास? P का स्क्वायर प्लस 2F F1। ये हो जाएगा F net, मतलब क्या हो जाएगा? अब ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे एफ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये पहले आप हमको बताइए, एफ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि एफ वन भी सेम एफ टू भी सेम तो एफ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे? तो एफ नॉट टू एफ वन एफ टू, टू एफ वन एफ टू इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं? ये पहले आप हमको बताइए, यहाँ पे एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं? और अगर ये आ गया तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 2p² प्लस 2f cos थीटा लिख सकते हैं। यहां पे 2p ना हो जाएगा, 2p² यहां पे भी 2p, हाँ यहां पे जो है ये हो जाएगा कि नहीं? ये हम हमको पहले ये चीज बताइए, हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसको जो है इसमें से कॉमन ले लिया 2p को,
टू बी स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ये पहले आप हमको बताइए। हाँ, और अगर आप इसका स्क्वायर को अगर आप हटा देते हैं तो क्या आएगा? ये आएगा, क्या आएगा? जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। अगर आप इसके स्क्वायर को अगर आप हटा देते हैं तो क्या आएगा भाई? ये आएगा 4p स्क्वायर cos थीटा बाय 2। क्या? cos थीटा बाय 2। cos, अरे बे यार भाई ब्लर हो गया क्या यार? क्या आएगा? cos थीटा बाय 2 आएगा। क्या आएगा? cos थीटा बाय 2, ठीक है। 4p स्क्वायर cos थीटा बाय 2, ठीक है। और अगर आप इस चीज को जो है अगर आप यहां पे लिख दीजिएगा f इज इक्वल टू, क्या लिखिएगा यहां पे? ये अगर आप निकालेंगे इसको तो ये स्क्वायर में है, 2 4 को अगर आप निकालते हैं रूट से तो क्या बन जाएगा? 2p स्क्वायर क्या बन जाएगा? p cos थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा भाई? यहां cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा भाई, सॉरी cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो cos थीटा बाय 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cos थीटा बाय 2 बन जाएगा। तो क्या आंसर आ गया आपका? f इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। क्या? f इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। यहां पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, आपके रखने के ऊपर है। यहां पे अगर आप p नेट रख देंगे या r नेट, यहां पे अगर आप रख देते हैं r नेट, तो यहां पे अगर आप r मान के चलते हैं इसको, तो इसको आप मान लीजिए फोर्स, किसी को मान सकते हैं, आप पे मर्जी, ठीक है। हां, आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे इसका करिश्मा क्या देखिएगा, यहां पे आप इसका करिश्मा देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख डालिए। लिख डाला। जी हाँ, आपने लिख डाला इसको। क्या आप इसको क्या कीजिए ना कि आप इसको R मान लीजिए। क्या मान लीजिए? आप ये दोनों को जो है, ये जो F नेट है, इसको आप क्या मान लीजिए? इसको आप R मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको आप F को जो है वो R मान लीजिए, ठीक है। इसको आप R मान लीजिए, ठीक है ना। क्या मान लीजिएगा? R मान लीजिएगा, ठीक है, R मान लीजिएगा, ठीक है। इसको आप अगर आप R मान लेते हैं, यहाँ पे आप R मान लीजिए, ठीक है। मानने में क्या है, कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, यहाँ पे F नेट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे F नेट रहने दीजिए। इसको आप R मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे R मान के चल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन उससे आसान हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से इसको लिख डालिए। ये वाला फॉर्मूला मेन है। कौन वाला फॉर्मूला? ये मेन, MAIN मेन। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी जल्दी, ठीक है। लिख दिया, होप करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज को लिख दिया होगा। लिख दिया, होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा। अब देखिए यहां पे, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने क्या पढ़ा, F1 इज इक्वल टू F2। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या माना? P माना। और हम लोग का क्या आया? R इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। इसको ये रिजल्ट याद रखिएगा, R इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। अगर थीटा जीरो होगा, अगर थीटा जो है अगर आपका जीरो होगा तो क्या आएगा? ये पहले आप हमको बताइए, तो क्या आएगा? 2p cos 0 बाय 2। अगर cos 0 बाय 2 आएगा, कितना आएगा? cos 0 बाय 2 आएगा। अगर ये cos 0 बाय 2 आता है तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है भाई? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? 2p into 1, मतलब क्या? 2p आ जाएगा। अगर थीटा 0 होगा तो क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा, ठीक है। और अगर cos 60 डिग्री होता है तब,
क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर cos 60 डिग्री होता है तब 2p cos 60 by 2 मतलब क्या, 2p cos 30। तो 2p cos 30 कितना होता है, ये पहले आप हमको बताइए, बताइए बताइए क्या होता है cos 30 root under 3 by 2, क्या होता है root under 3 by 2, कितना होता है root under 3 by 2, तो कितना आ गया बताइए बताइए, जल्दी 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 सोचिए सोचिए सोचिए, आपको मैं बोल रहा हूँ सोचिए सोचिए। और यहाँ पे अगर ये तो मैं कर दूंगा, यहाँ पे अगर 90 हो, क्या हो 90 हो, तो क्या हो जाएगा 2p cos 90 by 2, कितना आ गया 2p cos 45 मतलब 1/√2 कट जाएगा तो p root 2 आ जाएगा हा? और अगर यहाँ पे जो है वो 120 हो जाए तो कितना आएगा 2p cos 90 2p cos 120 by 2 तो 2p cos 60 कितना cos 60 ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर ये 180 हो जाए तो क्या होगा 2p cos 180 by 2 तो कितना आ गया 0 आ जाएगा ना, तो 2p cos 90 हो जाएगा, 90 का वैल्यू कितना 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, पहले यहां पे r कितना आएगा, यहाँ पे आर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2p, यहाँ पे आर कितना आएगा, अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका p√3, कितना p√3, कैसे p√3 आएगा देख लीजिए एक बार भाई, देख लीजिए अगर विश्वास नहीं तो देख लीजिए 2p√3/2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 कितना आ गया p√3 ठीक है, R is equal to कितना p√3 ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है ये 90 आ जाता है तो ये 45 बन जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है 2p cos 30 by cos theta by 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2p और cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 कट गया तो p√2 कितना p√2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2p और ये कितना आता है, ये cos 30 cos 60 का वैल्यू कितना आता है भाई 1/2 कितना 1/2, तो 2 कट गया कितना आ गया p आ गया कि नहीं, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 2p × 0 मतलब कितना 0 हां कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले आप मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैलकुलेशन को जो है वो करते हैं ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया कि किसका कितना आएगा, मैं आपको अब शॉर्ट में भी लिखवा दे रहा हूं इसको, जल्दी से इसको लिख डालिए, जल्दी से जो है इस चीज को जो है आप लिख डालिए, आप इस चीज को जो है वो लिख डालिए ठीक है, जल्दी से इसको लिख डालिए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा बोर्ड पे, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उस चीज को आपने जो है अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, होगा कर लिया है, मैं आपको और 3-4 सेकंड का टाइम देता हूं, बहुत बड़ा है इसलिए अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ाना है इसलिए सॉरी ठीक है। तो होप करते हैं कि आपने जो है, या पानी पी लिया जाए पहले, पहले पानी पी लिया जाए, या पहले लिख देते हैं फिर पानी पियेंगे, क्या टाइम क्यों गवाया जाए, चीज यही रहेगा ठीक है, क्या रहेगा चीज जो है वो यही रहेगा ठीक है। अगर थीटा जो है अगर जीरो है, क्या है अगर क्या था भाई, क्या था R is equal to 2P cos theta by 2 ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोगों ने क्या निकाला, R is equal to कितना था, R is equal to था 2P, यहाँ पे R is equal to कितना था p√3, फिर यहाँ पे R is equal to कितना था, यहाँ पे R is equal to था p√2, यहाँ पे कितना था R is equal to, यहाँ पे R था P, यहाँ पे R कितना था 0, कितना 0 ठीक है, इस चीज को लिख डालिए ठीक है, फिर पानी पीता हूँ मैं जो है वो पानी पीता हूँ ठीक है, आप इस चीज को लिख डालिए, लिख डालिए लिख डालिए लिख डालिए रे भाई, भैया लिख डालिए, पढ़ाई सब कुछ है
होप करते हैं कि आपने जो है ये छोटे से चीज को जो है वो लिख लिया होगा। हाँ लिख लिया, जल्दी से इसको लिख डालिए, लिख डालिए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख डाला होगा। अब आपको एक चीज डाउट होगा कि ये जो परमिटिविटी है क्या हर मीडियम में अलग अलग होती है? तो हाँ, क्या परमिटिविटी जो है, क्या मैंने लिखवा रहा हूं भाई, देखिए यहां पे ध्यान से देख लीजिए, परमिटिविटी जो है बहुत सारे चीज बहुत सारे लोगों को जो है ये डाउट होता है कि परमिटिविटी जो है वो हर मीडियम में, इस चीज को लिख लीजिए, छोटा सा पॉइंट है पहले वाला, परमिटिविटी जो मैं पढ़ा रहा था अगले क्लास में उसका एक पॉइंट है कि परमिटिविटी जो है वो हर मीडियम की अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, क्या अलग अलग होती है, ठीक है, हर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो अलग अलग होती है। जल्दी से इसको लिख डालिए। और क्यों होती है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि हर मीडियम में चार्ज क्या करता है, चार्ज अलग अलग बिहेव करता है, क्या करता है, अलग अलग बिहेव करता है, इसलिए हर मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख डालिए, छोटा सा एक टॉपिक है, जल्दी से लिख डालिए इसको, फिर हम लोग जो है वो जे मेंस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, किसका क्वेश्चन करेंगे, जे मेंस का क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको लिखिए, ठीक है ना, उसके बाद जल्दी से आप लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग जो है वो जे मेंस का क्वेश्चन को करेंगे। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, क्या किया होगा, इस चीज को जो है वो लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं आपको पहले एक थ्योरी बता दूं, कौन सी थ्योरी, थ्योरी ये थी, क्या थ्योरी थी भाई, थ्योरी ये थी, देखिए यहां पे थ्योरी क्या थी कि मान लीजिए, क्या मानिएगा, ये मानिएगा, जी हाँ ये मानूंगा भाई, क्या मानूंगा मैं, ये मानूंगा, देखिए यहां पे थ्योरी ये थी कि मान लीजिए यहां पे दो एक फोर्स ले लीजिए, ठीक है, क्या दो चार्ज ले लीजिए, ये Q1, ये Q2, ये Q1, ठीक है, दो जो है आप चार्ज ले लीजिए, क्या ले लीजिए, दो चार्ज ले लीजिए, K1 एक Q2, ठीक है ना, क्या, और इसका जो डिस्टेंस है ये R2 है, इसका जो डिस्टेंस है वो R2 है, इसका जो डिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए, इसका जो डिस्टेंस है ये R1, इसका जो डिस्टेंस है ये R2 है कि नहीं, हाँ, तो ये दोनों जो चार्ज है, मान लीजिए, क्या मानिएगा, मान लीजिए कि ये जो है ये F12 है, क्या ये जो चार्ज है ये F12 है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये F12 है और ये F21 है, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है, देख रहे हैं रिपल्सन हो रहा है दोनों में, अगर यहाँ पे हम अट्रैक्ट कर देते तो ये आपका जो है ये सम नहीं मिलता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो ये F12 है, ये F21 है, तो अगर ये दोनों का अगर आप डिस्टेंस को नापिएगा तो क्या आएगा, ये पहले आप हमको बताइए, अगर आप ये दोनों का डिस्टेंस को देखिएगा तो ये दोनों का क्या होगा, क्या क्या बताइए, R1 का स्क्वायर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा कि नहीं, पहले आप हमको ये बताइए, मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लगा है, क्या लगा है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल या हेड माइनस टेल, क्या ये लोग कई लोग बोलते हैं हेड माइनस टेल, ये टेल है ये हेड है, हाँ ये हेड है, ये आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, मतलब ये टेल है,
हाँ, तो ये बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या होगा भाई, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या होगा भाई, मेरे भाई ये होगा भाई R1 - R2, क्या होगा R1 - R2, यहाँ पे वेक्टर लगा दे भाई, वेक्टर लगा दे, ये दोनों का पॉइंट क्या यही ना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या यही फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाला इसको, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस लिखिए ना, डिस्टेंस क्या निकाला, डिस्टेंस जी हाँ यही। अब इस चीज को मैं आपको एक चीज से रिलेट करवाना चाहूंगा, क्या रिलेट करवाना चाहूंगा, जल्दी से इसको लिख डाली लिखिए इसको जल्दी, इसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है ये वाला पॉइंट हो गया। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये डायग्राम केवल आप याद रखिएगा, ठीक है, कॉपी में आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, मेरे को ये विश्वास है आप पे, ये चीज मैं आप पे ये चीज बिलीव करके मैं एक और डायग्राम आप दे रहा हूं आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप हमको ये चीज बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं, क्या था, एफ वेक्टर बाई एफ कैप, मतलब डायरेक्शन लिखवाया था कि नहीं, यही था। अब देखिए यहां पे F12, अगर इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालिएगा, ये पहले आप हमको बताइए भाई, तबे ना वेक्टर निकालिएगा, उस फिगर को देखिए और आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिएगा, तबे ना भाई आप वेक्टर निकालिएगा, तो इसको आप पहले निकालिए, कैसे निकालिएगा, ऐसे के Q1 Q2 बाई कितना था डिस्टेंस कितना था दोनों में, डिस्टेंस दोनों के फोर्स में डिस्टेंस कितना था, R1 - R2 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही ना था भाई यही ना था, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ये यही ना था, ये पहले आप हमको बताइए, यही था। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको डायरेक्शन निकालना है इसका तो कैसे हम लोग निकालेंगे, R1 - R2 यही ना करेंगे मेरे भाई, अगर हमको डायरेक्शन निकालना है 1, 2 का, क्यों आपने ऐसा क्यों बोला, हाँ क्यों बोला मैं आपको बताता हूं भाई, डायरेक्शन अगर हमको इस फॉर्मूला से निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, पहले हमको बताइए, अगर हमको डायरेक्शन निकालना है इसका क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू F मैग्नीट्यूड इनटू F कैप, अगर हमको डायरेक्शन इसका निकालना है तो F वेक्टर बाई F कैप, यही ना होता है, तो F वेक्टर क्या होगा ये पहले आप हमको बताइए, F वेक्टर क्या होगा मालूम है, बताइए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो यही हम लोगों ने जो है यहाँ पे यूज किया, समझ गए, वही जो है हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे यूज किया, समझ गए हमारे उच्च प्राणियों, ये आपने चीज समझा। और अब हम लोग जो है ये लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग को मिल गया है, क्या किया मिल गया, नहीं समझ में आया, समझिए भाई, देख K Q1 Q2 भाई, ये पहला ये तो आपने जान ही लिया,
कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या जानना है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये दोनों का, ये ऐसे था कि नहीं, ऐसे ऐसे था कि नहीं, ऐसे ऐसे था ना, ऐसे हाँ था कि नहीं, पहले आप उनको ये चीज बताइए, आप उनको कैसे था, ऐसे था, था कि नहीं, ऐसे ऐसे एक ऐसे हाँ। तो ये R1 था, ये R2 था, और ये दोनों का जो डिस्टेंस था ये इतना था, था कि नहीं हाँ। तो ये कितना था, ये R1 वेक्टर माइनस ये माइनस R2, यही ना था। तो क्या होता है डायरेक्शन का फॉर्मूला, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, क्या होता है वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या वेक्टर था, ये था, ये था, और इसका मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या था, ये था, ये क्या था, ये मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड था, ये दोनों क्या था, ये दोनों था वेक्टर, क्या था, ये दोनों था वेक्टर। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया इस चीज को और डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लिया। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया ये चीज तो भैया जी जल्दी से लिख डालिए इसको, लिख डालिए जल्दी लिखिए इसको, क्या लिखना है भैया, जल्दी इसको लिख डालिए। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, क्या किया होगा, इस चीज को जो है आपने इस चीज को जो है वो लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये F डिस्प्लेसमेंट इंटू F डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट भाई कितना था, डिस्प्लेसमेंट था के Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का, ये था कि नहीं, इंटू ये आपका डायरेक्शन क्या था, मैग्नीट्यूड, तो ये था आपका, क्या था मैग्नीट्यूड, ये था। अब आपका डायरेक्शन क्या था भाई, डायरेक्शन ये था R1 माइनस R2 बाई ये था डायरेक्शन, था कि नहीं, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, यही ना था डायरेक्शन, था कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए। अब ये दोनों जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन गया कि नहीं, के Q1 Q2 R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में बन गया कि नहीं हाँ। ये देखिए क्या बना, ये क्या बना, ये यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर ना था भाई, तो ये क्यू नो बन गया, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ भी ये स्क्वायर था, फिर ये दोनों सेम था, तो ये दोनों क्यू बन गया। तो क्या फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला आ गया ना भाई आपका, आ गया कि नहीं, पहले आप हमको ये चीज बताइए कि ये मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन था, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया ये निकालने के लिए, तो क्या आ गया, ये आ गया। अब आप F21 का निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाइएगा, मैं आपको ये भी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 के जगह पे 1 हो जाएगा, बस 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 कहानी खत्म। तो जल्दी से इसको लिख डालिए, फिर हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को निपटा देते हैं जल्दी। क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को जो है वो निपटा देते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं जल्दी। ये दुनिया ये थोड़ी थोड़ी सी बेहतर लगे, दिल की ना कर तो चाकर लगे, क्या करना था, दुनिया ये थोड़ी थोड़ी सी बेहतर लगे दिल। देख भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं तो बाकी टाइम सोचने में आपका जो है बाकी एनर्जी जो है वो और कहीं नहीं जाती है। तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो उसमें पूरा व्यस्त हो जाइए, फिर और बाकी जो चीज है बेकार चीज ये सब में आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। अगर आप किसमें एनर्जी नहीं जाएगी तो आप इम्प्रूव करते जाइएगा, एक दिन इतना इम्प्रूव कर जाइएगा जब आप नीचे मुड़ के देखिएगा ना तो दुनिया आपको छोटी दिखाई देगी। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इम्प्रूव कर जाइए, ठीक है, होप करते हैं कि आपने जो इस चीज को लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आप, मैंने आपको क्या बोला, F21 का निकालने के लिए निकाल लिया होगा आपने, और वो लिख के आपने निकाला होगा वीडियो को पॉज करके, नहीं निकाला तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए,
हाँ तो मैंने आपको शुरू में ही ये चीज सिखा दिया था, ये वाला सिखाया था कि नहीं? हाँ ये बताइए 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 बताइए। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, कैसे? के क्यू टू क्यू वन आर टू माइनस आर वन बाई बाई क्या हो जाएगा? आर टू माइनस आर वन का होल क्यू, ये हो जाएगा आपका। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वन टू सॉरी एफ टू वन है ना, एफ टू वन इज इक्वल टू माइनस एफ वन टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे माइनस के क्यू क्यू वन क्यू टू आर वन माइनस आर टू बाई आर वन माइनस आर टू। यहां पे अगर आप यहां पे माइनस लगा देते हैं तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ये वाला ऐसे लिखना होगा, समझ गए? तो जल्दी से इसको लिख डालिए, लिख डालिए, लिख डालिए, जल्दी से इसको लिख डालिए। हाँ आपको जो है ये चीज ऐसे लिखना होगा, नहीं तो आप अगर इसमें माइनस लगा देते हैं तो ये आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये इधर ना एक इधर गया और एक इधर गया, तो आप इसको कैसे लाइएगा? इधर आप माइनस में जाइएगा तबे ना। मान लीजिए कि आपको मम्मी बोली दुकान जाने के लिए और दुकान वाला बोला कि मम्मी के पास चल जा, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं भाई? डिफरेंस है, एक बोल रहा है पॉजिटिव जाने के लिए, एक बोल रहा है निगेटिव जाने के लिए, एक उल्टा बोल रहा है एक सीधा बोल रहा है। चलिए दो क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है? कितना क्वेश्चन करते हैं? दो क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, इधर ही आए हुए क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसको, लिख डालिए। अगर आपने लिख लिया इसको तो आपकी लाइफ झिंगा लाला, नहीं तो फिर सच कहता हूं मैं मान। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को लिख लिया होगा, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या देखिएगा भाई, क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे, अपन स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन।